दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के 115th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उनके आंसर्स। अगर अगले वाले एपिसोड में आना है नेक्स्ट संडे के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं। यहां टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेल का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेल से रिलेटेड है, लेकिन उनसे पहले चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल पर जो लेना चाहते थे वो डिस्काउंटेड प्राइस पर ले पाए? चार ऑप्शन थे, हाँ मेरा वाला तो मिल गया, नहीं यार मतलब नहीं मिला अभी तक, चूना लगा दिया इन सब ने, मेरा तो बुक होके भी कैंसिल हो गया, मतलब कुछ लोगों का कैंसिल भी हुआ था, एंड लास्ट वन कुछ लोग उनको कुछ लेना ही नहीं था। तो यहाँ पे 50% ऐसे लोग हैं, 48% के आसपास, जो मतलब आधे के आसपास जो लोग ये कह रहे हैं कि जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला उस प्राइस पे, यानी ऑफर्स उतने खास नहीं आए थे। 30% के आसपास लोग हैं जिनको मिल गया, 5% के आसपास लोग हैं जो कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया उनका ऑर्डर, जो किया था वो कैंसिल हो गया, एंड 17% के आसपास लोग हैं जिनको वो कह रहे हैं कि उनको कुछ लेना ही नहीं था। चलिए इस हफ्ते के पोल की तरफ चलते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था फ्लिपकार्ट वर्सेज अमेजॉन वाला, इसमें मैंने कहा था मेरे हिसाब से अमेजॉन ज्यादा बेटर है, 5 पॉइंट्स। आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, उसी के ऊपर पोल भी है। आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन या कोई नहीं? जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे पोल कीजिए एंड पोल करके बताइए कि आपके हिसाब से इन तीनों में से दोनों में से कौन सा बेटर है या फिर कोई भी नहीं। चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ऑलरेडी वेस्ट हो गया कुछ टाइम, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हर्ष शिवडे की तरफ से, #विवेकआंसर, स्मार्टफोन चोरी होने पर क्या करना चाहिए, प्लीज वीडियो बनाओ। अभी चोरी तो हुआ है मेरा रिसेंट में 2 हफ्ते पहले, एंड प्रोसेस चल रहा है, जैसे और भी होगा तो कोशिश करूंगा मैं वीडियो बनाने की, क्या क्या करना चाहिए आपको इसके ऊपर। चलिए जरूर कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की, अभी तो मैं ही फंसा हुआ हूं कि कैसे मिले। पुलिस कंप्लेन सबसे पहले कीजिए, बाकी सारी चीजें बाद में। गुड्डू की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under 20 के कौन सा फोन अच्छा होगा? Under 20 के वेट करो दिवाली सेल का, शायद Poco F4 और Realme GT Neo 3T आ जाए तो आपको ज्यादा बेटर ऑफर्स मिल जाएंगे, और जैसे और भी आएंगे उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, तो वेट कीजिए उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबरा की तरफ से, क्या बात है, Realme Narzo 50 Pro 5G में 5G बैंड, 5 5G बैंड्स है और दूसरी ब्रांड ज्यादा दे रही है। ओके, ज्यादा बैंड्स मतलब ज्यादा नेटवर्क स्पीड होता है क्या? देखिए मैं इसके ऊपर पहले भी आंसर दे चुका हूँ, एक अज्यूम कीजिए स्टेशन पे आप खड़े हो और आपको कहीं जाना है, ठीक है, स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म है, 10 प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां खड़ी है, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, कौन सी गाड़ी आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाएगी वो ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि किसी गाड़ी में बैठ जाओगे चल जाएगा। तो ऐसा ही 5G बैंड्स के साथ भी होता है, कितने 5G बैंड्स है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कौन सा इंडिया में चलेगा इस बात से फर्क पड़ता है, तो जो 12-13 दे रहे हैं वो 12-13 सारे के सारे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो कितने 5G बैंड्स हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से 5G बैंड्स हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी किरण की तरफ से, सर 13K में कोई कैमरा फोन बताइए। देखिए 13K तक 14K तक कैमरा फोन नहीं आते, फोन विद कैमराज आते हैं, ठीक है, तो काम चला वाले कैमराज होते हैं, तो आप 20-20 हजार तक जा सकते हो तो अच्छे फोन बता सकता हूँ कैमरा के लिए, 13-14 हजार में डिसेंट वाले मिल जाएंगे, 16-17 थाउजेंड तक, जो एक मैंने ये किया ना इसका कैमरा काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, Moto G72 4G फोन है लेकिन काफी अच्छा है, सारे ऑफर्स लगा के 15-16 हजार तक आ रहा है, तो देख सकते हो इसकी तरफ देखना चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजाहिद की तरफ से, सर Google Pixel 7 40K तक मिल सकता है क्या, प्लीज रिप्लाई मी। अभी तो 60 हजार पे कुछ लॉन्च हुआ है एंड सारे ऑफर्स लगा के 49,999 तक आ रहा है, तो अगले सेल का वेट करो, 40 के नीचे आएगा मैं कहूंगा यही, अभी तो चांसेस कम है कि 40 तक आए, 50,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारे ऑफर्स लगा ऑलरेडी है, अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो 50,000 तक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अहमद की तरफ से, आपसे पूछा 12K में कौन सा फोन बेटर है, आपने इन्फिनिक्स बोल दिया, इन्फिनिक्स नॉन ब्रांड फोन है, कौन लेगा, क्यों भाई लेते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो कि नॉन ब्रांड फोन है, आजकल ब्रांड भी मैटर करता है, भी मैटर करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सैमसंग M13 M12 लेके बैठो 13-14 हजार में, ठीक है, उनके नेटवर्क के इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं, ये देखो 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, इन्फिनिक्स का ब्रांड है, इसमें मेरा Paytm भी चलता है, मुझे आज तक कोई इशू नहीं है, तो जिनके लिए स्पेसिफिकेशन मैटर करता है, जो ज्यादा बेटर फोन चाहते हैं तो वो इन्फिनिक्स भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, इन्फिनिक्स के भी बायर्स हैं। चलिए अच्छी बात है, राइट फोन, मैं प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखता हूँ, मैं ब्रांड नहीं देखता, ठीक है, मैं कभी ब्रांड नहीं देखता, मुझे जो ब्रांड्स अच्छे दे रहे हैं और प्राइस टू परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, एंड इन्फिनिक्स मेरे हिसाब से सही है, 12,000-13,000 के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा मैटर चीजें ब्रांड नहीं करती, अगर आपको करती है तो आप सैमसंग का फोन ले लीजिए जाके उस प्राइस रेंज में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस खान की तरफ से। सर रियलमी GT नियो 3T कितना होगा दिवाली सेल में? एक्सपेक्ट करता हूँ सेम वही प्राइस, सारे ऑफर्स लगा के 22,000-23,000 में आएगा एंड एक्सचेंज वाला लगा कि आपको ये 20,000 तक शायद मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कितने लेकर आती है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही प्राइस पे, अभी तक श्योर नहीं है बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। क्या बात है, सारी लड़ाई छोड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछने आगे साहब। प्लीज सजेस्ट सर बेस्ट फोन अंडर 15 के एमोलेड प्लस एंड्रॉइड 12 बेस्ड। बेस्ट फोन अंडर 15 के आप देख सकते हो पोको X4 प्रो, देख सकते हो मोटो का G71 5G, 15,000 के नीचे रियलमी 9 SE, ये सब अच्छे फोन से सारे ऑफर्स लगा के 15,000 के नीचे आ जाते हैं। एंड्रॉइड 12 के ऊपर अपडेट के बाद आ गए हैं लेकिन ओरिजिनली सारे एंड्रॉइड 11 के ऊपर है, तो इनके तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट किंग्स की तरफ से, शॉर्ट्स किंग की तरफ से। सर बेस्ट फोन फॉर फोटोग्राफी अंडर 16K रियलमी 9 4G और रेडमी नोट 11S। मैंने कहा ना ये वाला जो है मोटो G72, इसके कैमराज काफी अच्छे हैं अगर आपको 4G फोन से चल जाएगा तो। आप जाइए मेरा अनबॉक्सिंग वाला देखिए, मैंने फोटोज डाले हुए हैं उसमें, काफी क्लियर फोटोज हैं, तगड़े मेरे हिसाब से उस प्राइस के हिसाब से। कोई प्रमोशन नहीं है, आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज और भी फोन हैं लेकिन मेरे हिसाब से अंडर 16,000 सारे ऑफर्स लगा के है, तो 19,000 का लेकिन ऑफर लगा के 16,000 तक आ रहा है, 15,000 तक, तो उस प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है अभी के लिए। वैसे मोटो को काफी लोग ब्लेम करते हैं कैमराज अच्छे नहीं थे, इसका लिटरली कैमरा अच्छा है। देवेंद्र पोगेरे की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा सेल कौन सा होगा, दशहरा सेल या दिवाली सेल? दशहरा से बेटर दिवाली होगा, आई एम श्योर दशहरा से बेटर होगा। आप बिग बिलियन से कंपेयर करते हो तो दोनों में है पॉइंट्स लेकिन दशहरा से बेटर होगा। मोहम्मद दानिश आलिम की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो एज 30 नियो कब इंडिया लॉन्च होगा? अब तक तो हो जाना चाहिए था फ्यूजन के साथ बट नहीं किया, एक्सपेक्ट करते हैं अगले एक महीने में। अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आया नहीं है, बाहर लॉन्च हो चुका है बट इंडिया के लिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो वेट कर लेते हैं अगले नेक्स्ट एक महीने का, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादब मलिक की तरफ से, #भैया 5G आ गया तो क्या 5G फोन सस्ते होंगे? अभी 5G लॉन्च तो हुआ है लेकिन एक्चुअल 5G आने में 6 से 7 महीने एंड ऑल ओवर इंडिया जाने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, 2023 एंड तक पॉसिबली आपको इंडिया में काफी जगहों पर 5G देखने को मिलेगा एंड तब तक 5G फोन काफी चीप हो जाएंगे, काफी अच्छे वाले 5G फोन काफी चीप देखने को मिलेंगे आपको। हाँ मिलेंगे, जब तक 5G अच्छी तरह आ जाएगा ना तब आपको 5G फोन अच्छे खासे मिल जाएंगे। कुरेशी टेक की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो लिया है BBD में, काफी लोग बोल रहे हैं कंपनीज नहीं सही है। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका गैलरी है ठीक है, सर्विस सेंटर है, कुछ भी इशू होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्रमोशन के लिए नहीं, मैं आज तक कभी नहीं गया गैलरी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी एंड मेरा पेटीएम से लेके सारे इसी में चलते हैं जितने भी पेमेंट वाले एप्लीकेशन है सब कुछ, तो मुझे आज तक इशू नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं आएगा इशू, आएगा ऑब्वियसली आता है, सारे फोन्स में आता है, बड़े से बड़े महंगे से महंगे फोन ले लो सब में इशूज आते हैं, लेकिन एक चीज है उनके सर्विस सेंटर्स भी हैं, आप जाओगे तो वहाँ पे सर्विसेज भी हो जाते हैं, कोई इशू इन्फिनिक्स की तरफ से अभी तक मुझे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एप्पल या सैमसंग से बेटर है महंगे वाले फोन से, लेकिन जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे काफी अच्छी चीजें दे रहे हैं आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धराज सिंह वनत की तरफ से, प्लीज सजेस्ट अ ग्रेट कैमरा फोन अंडर 35K। दो फोन है सैमसंग S21 FE, थोड़े से किसी किसी डिवाइस में हीटिंग वाले इशूज आ रहे हैं अभी के टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए तो काफी अच्छा डिवाइस है। इसके अलावा आप पिक्सल 6A की तरफ देख सकते हो, ये दोनों उस प्राइस में काफी अच्छे डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम अंसारी की तरफ से, मेरा सवाल गूगल आईफोन को छोड़कर दूसरी कंपनी 5.9 इंच कॉम्पैक्ट फोन क्यों नहीं निकालती? गूगल और आईफोन के इंडिया में मार्केट शेयर कितने हैं? less than 1%, 1% से भी कम लोग इसको खरीदते हैं इन दोनों को मिला जुला के ठीक है, बाकी सारे एंड यही रीजन है जो रिसर्च करते हैं ना तो आते हैं 5.9 वाले कस्टमर्स होते हैं, मैंने ये कह रहा हूँ कि नहीं होते लेकिन उनकी काउंटिंग बहुत कम है ठीक है। लोग 6.4 6.5 को एकदम नॉर्मल साइज मानते हैं, 6.7 एक अच्छा खासा साइज है, तो ये इनके कस्टमर्स जो है ना ये ज़्यादा हैं अभी के टाइम पे, तो 5. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चाहते लोग लेकिन जो है बहुत कम है, इसीलिए लोग ज़्यादा लेते नहीं, ज़्यादा बनाते नहीं है। चलिए MD सिराज साकिब की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोको F4 5G 20 के अंडर आएगा? ऑब्वियसली आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, सारे ऑफर्स लगा के जैसे लास्ट टाइम आया था एक्सचेंज वाले आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस त्रिपाठी की तरफ से, #विवेकान सर, सर आई हैव परचेज रियलमी 9 प्रो प्लस दैट सपोर्ट 60W चार्जर, मे आई यूज रियलमी? यस यू कैन ठीक है, आप 18W वाला चार्जर 20W वाला चार्जर यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है, इवन 60W से ज्यादा बेस्ट मैं मानता हूँ 20W और 80W, जितना स्लो रहेगा ना उतना, 10W तक नहीं लेकिन 20 और 18W वाले काफी बेटर चार्जर होते हैं राधर देन की फास्ट चार्जर आप यूज करो, टाइम लेंगे लेकिन आपके स्मार्टफोन की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने देखा है। चलिए हो गए सारे क्वेश्चंस, अफवाह आएगी नहीं जरूर बता देना।
कैसा लगा वीडियो भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो। और अगर अगले एपिसोड में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं और वहीं से मैं आंसर देता हूं। एंड दूसरी चीज, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर पोल करके बताओ कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन बेटर है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां भी पोल कीजिए। चलिए और साइड में देखो फैक्ट इमेजेस को ऊपर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।